हाय, फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आज हम विंटर स्पेशल मूंग दाल की पंजीरी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल की पंजीरी के लिए हमने 1 किलो मूंग दाल ली है पिसी हुई, 100 ग्राम फुल मखाने लिए हैं, 100 ग्राम मगज, 1 लीटर देसी घी, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम ही काजू अखरोट, 50 ग्राम हमने कमरकस लिए, 100 ग्राम किशमिश, थोड़ा सा नारियल का बुरादा और 100 ग्राम गोंद और 1 किलो चीनी पिसी हुई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें फूल मखाने अपने डालकर थोड़े से फ्राई कर लेंगे। अब ये फूल मखाने थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें 100 ग्राम गोंद डाल देंगे, इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब यही बचे हुए घी में हम 50 ग्राम कमरकस भी फ्राई कर लेंगे। इसी घी में हम 100 ग्राम किशमिश फ्राई कर लेंगे। अब किशमिश फ्राई हो गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। हम बाकी का ड्राई फ्रूट भी अब सारा डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। किशमिश और ड्राई फ्रूट को हम बिल्कुल कम आंच पर फ्राई कर रहे हैं। इसी में हम 100 ग्राम मगज भी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा ही फ्राई करना है इसको। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब ये फूल मखाने, गोंद और कमरकस को हमने फ्राई कर लिया था, इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके इसे पीस लेंगे। अब बाकी बचे हुए घी को हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें पिसी हुई मूंगी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी कलकर हम इसमें डालेंगे और मिलाते जाएंगे।
इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे। धीरे धीरे इसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमने और ब्राउन करना है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमने गौन, फुल मखाने और कमर का पीस लिए थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें चीनी लास्ट में डालनी है क्योंकि चीनी पानी छोड़ जाती है, तो इसलिए इस मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी उसके बाद हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। सब कुछ ऐड करने से मूंगी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें बूरा चीनी ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी डालकर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये पंजीरी को हमने बाउल में निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे गार्निश करने के लिए। अब पंजीरी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।